प्यार करूं फिर देर हो जाए, वेजिटेबल्स हो या फ्रूट। और मेरे हस्बैंड इसी, उसके बाद हमारा कहीं। हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं सरिता आप सभी की स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए हमारी सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग। और आज हम मेरे हस्बैंड जो है पराठा बना रहे हैं और मैं बेल बेल कर दे रही हूँ। और आज बना है गाजर का हलवा और पराठे। तो फिर गाजर का हलवा मैं बनाई हूँ, मेरे हस्बैंड ना उसे ग्रीस करके रख दिए थे सुबह उठ के। मैं लेट से उठी हूँ तो मैं उठी जल्दी जल्दी, मेथी और अदरक को भून ली, उसके बाद पराठे में आटे के साथ मिक्स करके उसको गूँथ ली। उसके बाद देखिए मैं बना रही हूँ मेथी पराठे और मेरे हस्बैंड जी उसे सेक रहे हैं। तो ये देखिए, एक जो मैं पराठे बनाई वो तिकोन वाला था, बाकी सब मैं गोल गोल बना रही हूँ। ये देखिए, तो हम दोनों रोज़ यही, हम दोनों का सुबह उठते ही सबसे पहले यही काम रहता है कि मैं रोटी गूँथ के रख देती हूँ और फिर सब्जी बनाते रहती हूँ। उसके बाद रोटी जब सेकने की टाइम आती है तो मेरे हस्बैंड मेरे हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा हेल्प करना और मेरे साथ ऐसी खट्टी मीठी बातें करते हैं दोनों एक साथ। आप आगे आप वीडियो पे देखिए हम कैसे नोकझोंक करते हुए रोज़ ऐसी किचन में मस्ती करते हुए हम लोग ना रोटी बनाते हैं, और इतना जल्दी बन भी जाता है जब दो हाथ एक साथ, और मतलब ना दो हाथ तो काम करते ही रहता है लेकिन दो हाथ और आ जाए ना अपने साथ तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो मैं तो अपना काम करते ही रहती हूँ लेकिन मेरे काम में ना बीच बीच में मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और वो दिखा रहे हैं। देखिए मैं इस तरह से रोटी बना रहा हूँ, तो मेथी पराठा इसीलिए तेल वाला बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी से तुम प्यार करो, अच्छा से वो वाला सॉन्ग याद नहीं आ रहा है, रुको ना। करो किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए, यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। चलो मैं क्या सॉन्ग गुनगुना रही हूँ उसे आप बताना, ठीक है? मेरा मन चाहे मेरा मन, चलो आप गुनगुनाओ मैं गैस करती हूँ। ये जो हल्का हल्का तो चली जैसी है, अच्छा चली जैसी हो। अरे यार मैंने ठीक गैस पर कर पाई ना, चलो एक और करते हैं। चलो निकाल दो, हो गया। चलो ना एक और गाओ ना जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी लास्ट है एक बजे। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा, पता लगा हूँ अभी से वाली खेल रही है तो मैंने बाकी है। कितना मंथ बाकी है? 2 महीने बाकी, मार्च में आता है। हाँ मार्च का फरवरी, हाँ मार्च में आता है। तो आटे से होली है और होली से खेल रही है। चलो ये लास्ट होली है, उसके बाद हमें जॉगिंग के लिए आप जाना है कि नहीं जाना है? जाएंगे ना जॉगिंग के लिए भी जाएंगे, इसके बाद अपन करेंगे लंच, सॉरी ब्रेकफास्ट हो नाश्ता बोलो ना, नाश्ता हमारा नाश्ता। तो देखो मेरा इतना सारा बर्तन सुबह का निकल गया है जिसे मैं साफ करूंगी। ये देखो सुबह से इतना सारा बर्तन निकल गया है और सबको मैं साफ करती हूँ, तब तक मेरे हस्बैंड रोटी सेक रहे हैं, मैं सारा रोटी बेल दी। देखो हो गया, चलो
अपन बंद कर देते हैं गैस सब, हम तवे को रख देते हैं। चलो मैं बनाऊंगी आज, ऊपर से जाऊंगी पालक लाने और आज बनाऊंगी पालक गोभी आलू चना सभी सब्जी मिक्स बनाऊंगी, है ना। तो अभी तो जाएंगे ऊपर क्योंकि कल जो कपड़ा सुखाई थी ना बहुत लेट से सुखाई थी, वो कपड़ा सूखा नहीं है, मैं सोफे पे ही रख दी हूँ तो उसे फिर से जाकर सुखाना पड़ेगा। ये देखिए सारा कपड़ा यहीं पे है तो उसे ऊपर जाकर सुखाऊंगी और वहीं से ना वो भी लेते आऊंगी पालक भाजी। तो आज का सब्जी बनेगा आलू गोभी पालक चना, तो वीडियो पे बने रहिए, हम जाते हैं ऊपर। तो देखिए मैं आ गई हूँ ऊपर और ये खूबसूरत खूबसूरत पालक भाजी देख रहे हैं कितनी ग्रीन कितनी ब्राइट कलर में लग रही है और बहुत सुकून मिलते हैं आँखों को जब मैं ये सब भाजियाँ देखती हूँ ना अपने छत पे लगे हुए, और जब इन्हें रोज़ देखती हूँ और इन्हें रोज़ तोड़ती हूँ। अभी तो हमारे यहाँ रोज़ बनता है पालक दाल तो यही छत से ही आ जाती हूँ मैं तोड़ने और इन यहीं से चली जाती हूँ और रोज़ पालक दाल बनाती हूँ, तो मुझे भी पालक दाल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शादी से पहले मैं पालक दाल नहीं खाती थी, हमारे यहाँ आलू में बनता था, लेकिन शादी के बाद यहाँ मेरे हस्बैंड यहाँ सब दाल में ही खाते हैं तो दाल में भी मुझे ही आदत हो गई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलती है ये सब तोड़ना इनकी केयर करना और इन सबको रोज़ निहारना, मतलब बहुत अच्छा लगता है ना ऐसी ग्रीन ग्रीन कुछ देखो तो। और ख़ास करके वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो मेरे को फला हुआ देखती हूँ ना या बारी बारी में तो मुझे ऐसी नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा आप सब बताओ कि आप सबको ये सब अच्छा लगता है कि नहीं, मुझे तो इनमें ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो देखिए मैंने भाजी तो मेरे हस्बैंड क्या काम कर रहे हैं आप सबसे, कार सफाई किया ना थोड़ा पानी डाला कार में तो दरवाजे पे आ गया था जस्ट पीछे ही सामने ही कार है पीछे नहीं जी, मतलब ये बैग पीछे है ना इस गाड़ी के यही पीछे छिटक गया, मतलब उधर से मैं पानी छिटक गया इसी को साफ कर रही हूँ, हो गया ओके। चलाओ नाश्ता, नाश्ता करता है हाथ वाथ धो लो कि मेरे हस्बैंड बनाए हैं आज मेथी की पराठा और सरिता बनाई है गाजर की हलवा। अब अपन टेस्ट करते हैं एक दूसरे को खिला के ताकि बहुत अच्छा बना है, बहुत प्यारा अच्छा लग रहा है लेकिन टेस्ट एकदम हाँ एकदम तीखा नहीं है, तीखा बोलते सॉरी मीठा। अजीब मीडियम मात्रा में मीठा रहता तो बहुत अच्छा लगता है, क्या हो गया इतना सा जला ये वाला रोटी और इसको नहीं खा रहा है, मेरे लिए बचा रही हूँ, खाता हूँ मैं उसको, ऐसा रोटी चाहिए जो बिल्कुल भी ना जला हुआ हो, थोड़ा सा ही जला है देखो इतना तो चलता है ना, आप भी ना यार वो अच्छा लग रहा है करो, थैंक यू आपका भी पराठा बहुत अच्छा लग रहा है, वेलकम। तो क्या बोलते हैं दोनों को आप ही खा लो, मेरा तो तीन हो गया एक बस और खून दिया, तो एक को खाएगा मुझे बहुत फास्ट खाते लगूं आप बताओ। बाकी तो मैं बहुत आराम से खाता हूँ लेकिन अभी मुझे काम में जाना है इसलिए मैं इतनी देरी से खाया हूँ। इतना जल्दी है मेरे खाते तक भी नहीं रुक पा रहे। तो हम दोनों ने तो नाश्ता कर लिए, गाजर का हलवा और पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये देखिए अब मैं आ गई हूँ सारा बर्तन साफ़ करने, सारा बर्तन साफ़ कर लूँगी उसके बाद जो है सब्जी बनाऊँगी।
और ये देखिए बारी बारी से मैं सारा बर्तन साफ कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड इसीलिए चले गए, मेरे खाते लास्ट एक बाइट बचा था उसके लिए भी नहीं रुक पाए, इतना जल्दी जल्दी चले गए क्योंकि उनका ना बार बार से कॉल आ रहा था कि हम आ गए हैं आप कहा करके। इसीलिए मेरे हस्बैंड जल्दी जल्दी खाए आज और चले गए, और वो क्या काम करने गए हैं तो उसका वीडियो मैं लास्ट में डालूंगी, आप सब देखना उसका क्लिप। जो मेरे हस्बैंड आज बहुत अच्छा काम किए, पता है कभी ऐसा नहीं करते थे, बोलती थी वीडियो बना के डालना मैं बताऊंगी बीच बीच में डालूंगी करके, तो आज फाइनली मेरे हस्बैंड आए हैं तो वो वीडियो देखना क्लिप डालूंगी। और जब तक मैं बर्तन मांज रही हूँ उसके लिए देखिए मैं ना पहले से ना बड़ी को डुबा कर रख दी हूँ पानी में, और ये है गोभी टमाटर और सारा चीज़ तैयार कर ली। उसके बाद जो है मैं बनाऊंगी गोभी की सब्जी, मिक्स सब्जी बनाऊंगी, तो सारा इस तरह से काट के रख ली हूँ। और ये देखिए इसके बाद से मेरा बर्तन सभी हो गया, अब मैं बड़ी से ना एक्स्ट्रा पानी निकाल के ऐसे रख दे रही हूँ, उसे तलूँगी सब्जी बनाने के लिए। तो मैं सारा मटेरियल तैयार करके रख ली हूँ, सारा चीज़ कट करके रख ली हूँ। उससे पहले मैं जो सोची कपड़ा सारा ऐसी बिस्तर पे ही है, तो उससे पहले मैं सबको ना गिरी कर करके यहाँ रख देती हूँ करके। ये देखिए ये वाले रेक पे जो है ना मैं सारा कपड़ा गिरी करके रख दे रही हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह का 10, मैं 10:30 तक सारा काम फिनिश कर लूँगी, उसके बाद हमारा कहीं घूमने का प्लान रहता है रोज़, तो सारा काम निपटा के हम दोनों जल्दी जल्दी से, अभी तो मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है बाहर है, वो बोले हैं सारा काम निपटा के आएंगे, उसके बाद हम कहीं जाएंगे पिकनिक करने। तो वो वाला वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है, ये वाला मैं लेट से एडिट कर रही हूँ तो ये वाला वीडियो लेट से आएगी। वैसे तो ये वाला वीडियो पहले था, वो वाला बाद में था, लेकिन मैं ना एडिट करने में लेट कर दी तो ये वाला पीछे रह गई, लेकिन उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप सब देखना। बहुत खूबसूरत जगह पे हम हस्बैंड वाइफ गए थे और मछली की जो है सब्जी बना रहे थे, और बंदरों ने ना हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान, इतना परेशान किया कि हम वीडियो बना रहे थे दोनों एक दूसरे से के साथ रील से, और ऊपर से ना पत्थर या कुछ गिरा पहाड़ के ऊपर से, हम दोनों डर गए, फिर तुरंत कार अंदर बैठ गए और वहाँ से निकल गए और वीडियो ही नहीं बनाए, दो फोटो बस ले पाए थे। बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा नज़ारा था, लेकिन फ़ोटो वीडियो ही नहीं बना पाए ज़्यादा, 3-4 बनाए, उसे ही मैं अपलोड कर दी हूँ। आप सब मेरे इंस्टाग्राम आईडी सरीनिसाद पे जाकर देखिए, मेरे इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे रील्स बनाती हूँ मैं, तो उन्हें भी लाइक करिए फॉलो करिए, आप सबकी सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं तो ये सारा कपड़ा फिनिश कर लेती हूँ, पहले घेरी करके रख देती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। तो ये देखिए ये है मेरे हस्बैंड जो जहाँ पे काम कर रहे थे, वो तो थोड़ा सा क्लिप लाए थे, उसको डाल देना अपने वीडियो के बीच में क्योंकि वो जल्दी जल्दी खा रहे थे, तो जल्दी जल्दी गए ना मेरे को छोड़ के, तो थोड़ा सा वीडियो लेकर आ गए हैं। तो ये इलेक्ट्रिक वाला काम करते हैं तो वहीं गए थे सुबह सुबह, और ये देखिए इस तरह से वो काम कर रहे हैं, इस तरह से पाइप लगा रहे हैं तार पे, क्योंकि वहाँ ढलाई हो रहा था ना, तो किसी को कुछ नुकसान ना हो, क्योंकि बहुत पास में था इसीलिए वो तार इतने पास में है कि किसी को कुछ नुकसान ना हो, इसीलिए ना खुले तार पे इतने सारे जो पाइप लगा कर आए हैं। तो वो तो आ गए थे 1 बजे तक आ गए थे, फिर नहाए वहाए फिर जल्दी से हम ना पिकनिक चले गए, तो वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखना प्लीज, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी करना। आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन, चलो गोभी, आलू, और ये है पालक जो खाता हूँ, और ये है पालक। अरे वाह, ये बना के रखी है, ये मैं सोच रहा था मैं कि यही खाने वाला हूँ, मतलब यही कि आपके लिए बना कर रखी हूँ, मैं चाय भी तैयार है, मैं चाय देती हूँ, इसे पकड़ो आप। तो ये देखिए मैं दूध का चाय बनाई हूँ, और इधर कढ़ाई चल रहा है, कढ़ाई पे और मैंने तड़का लगा दिया प्याज जीरा, और थोड़ा सा पालक भाजी बचा था तो मैं सोची इसी में डाल देती हूँ, मिक्स बना लेती हूँ, तो अचानक मेरे मतलब अचानक बना ली, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं बहुत अच्छा लगा सरी और कहीं बनाना करके, तो मैं आज फिर से ट्राई कर रही हूँ गोभी, आलू चना और बड़ी सारा चीज़, और पालक सारा चीज़ अच्छे से अच्छा खिलाओ ना, तो मुझे कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। चाय लाऊं गरम कर दो ना, मैं इतना देर से देख रही हूँ, खाई नहीं, रुकना, इतना देर से देख रही थी मैं, अब फिर से गरम करना पड़ेगा, लो खिलाओ एक, तुम गरम करके लाती हूँ ठीक है। कि मेरे हस्बैंड का कॉल आता है अचानक कि
दोपहर को बनाने वाली थी दोपहर की सब्जी में मैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को कॉल आता है कि मैं मछली लेके आ रहा हूँ, पिकनिक मनाने चलते हैं पहाड़ों पे करके। मैं बोली ठीक है। फिर उसके बाद ना देखिए मेरा मिक्स से सब्जी है, लगता है आप सब भी ट्राई करके देखना, बनाकर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज़ देखना। बहुत ज़्यादा मज़ा किए हैं हम, और क्या बताऊँ, बंदरों ने इतनी शोर मचा रखी थी ना कि डर सा लग रहा था। और हम लोग ना अचानक फ़ोटो खींच सब खावा लिए थे, उसके बाद फ़ोटो खिंचा रहे थे पहाड़ पे चढ़ के, उसके बाद अचानक दूर पहाड़ से ना एक पत्थर गिरा छोटा सा, फिर हम डर गए, पता नहीं क्या बंदर हो गया या कोई जानवर होगा, इससे अच्छा चलो करके तुरंत घर आ गए। और घर आए फिर उसके बाद ना और घूमने का मन था, 4 बजा था, फिर हम लोग उधर चले गए आगे, फिर उधर एक राउंड घूम कर घर आए। तो घर आई तो ये बोले चाय बना दो शरीर अच्छा लगेगा, शाम का टाइम है, बिस्किट खाएंगे करके। तो मैं चाय बना ली हूँ, और देखो मैं देकर भी आ गई, सब्जी झटबू रहा है, बिस्किट यहाँ पे रखा है, चाय मैं ये निकाल के रख ली हूँ। तो मेरे हस्बैंड अभी पूजा कर रहे हैं, वो देखो वो सीढ़ी से लाई हूँ, वो साईं जी उसका वो पूजा करते हैं। और यहाँ ये देखो हमारा छोटा सा मंदिर। तो मेरे हस्बैंड जी अभी अच्छा लगा आज, तो पूरा दिन इतनी खुश थी मैं, इतनी खुश थी ना, बहुत ज़्यादा खुश थी मैं अपने हस्बैंड के साथ ना। ये मेरा सेकेंड टाइम का पिकनिक था, और आते ही देखो सारा काम बिखर पड़ा है, उसे करूँगी। बंदरों ने कितनी शोर मचा रखी थी, और हमने पिकनिक की थी मछली सब्जी का, है ना जी। और चाय भी ठंडी हो गई है, कैसा लगा जी? बहुत अच्छा। पता है ये फिर से वो लाए हैं, पता है क्या बोलते हैं जी से? हाँ चीकू लाए हैं। तो ये फिर से कच्चा था, तो उनको पूछे बेचने वाले को कैसे कच्चा रहता है, कैसे पकाना है इसको करके। तो मैं उस टाइम तो चावल में रखी थी तो भी से पका था, लेकिन वो बोले पेपर पे रखना तो पक जाएगा। तो ये देखिए ये 1 किलो चीकू है, जिसको मैंने ना पेपर पे ऐसे रैप करके रखी हुई है, देखते हैं कितना पका है कितना नहीं पका है। तो अभी तो नहीं पका, 2 दिन में बोले हैं, एक आध पका होगा तो मैं खाऊंगी, एक भी नहीं पका है। एक भी नहीं पका है जी, ये थोड़ा थोड़ा पका है, पकड़ो तो इसे तो थोड़ा तो देखो तो पका है कि नहीं, ट्राई करके देखो ना। ये जो सब्जी बना रही हूँ ना, तो इनके ना सोयाबीन का बजी इस तरह से निकालती हूँ, नमक और मिर्च डाल के। तो एक प्लेट निकाली थी जिसे हम दोनों खा लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनको, ये बोलते हैं निकाला करो, तो मैं निकाल के रखती हूँ। और उसके साथ ये चाय पी रहे हैं, मुझे भी दो ना, मेरा बनाओ, कैसा बनो चाय? चाय तो बहुत अच्छा लगा। देखो बिना लिपस्टिक का मेरा चेहरा कैसे दिख रहा है, मैं लिपस्टिक लगा के आती हूँ। तो ये देखिए मैं लिपस्टिक लगा कर आ गई, सिर्फ लिपस्टिक लगा आई हूँ, उससे मेरा चेहरा चेंज हो गया है ना जी। मैं बिना फ्रेश होना चाह रही थी, इसीलिए मैं लिपस्टिक लगाने का मन नहीं था, लिपस्टिक लगाने का मन नहीं था, अभी फ्रेश होंगी ना इसलिए, लेकिन सोची चलो लिपस्टिक लगा के आ जाती हूँ। तो जी चाय अभी बज रहे हैं 6, मैं जल्दी से सब्जी बना लूँगी, उसके बाद सोऊंगी। फिर आप जाओगे कि रहोगे घर में? फिर मेरे को कॉल करके उठा देना 7 बजे, ठीक है? मेरे को चावल बनाने हैं, अभी तो मेरी सब्जी बन जाएगी 10 मिनट में, फिर आराम से सोऊंगी, उसके बाद सोकर उठूंगी ना तब वीडियो एडिट करूंगी। बहुत सारा वीडियो पेंडिंग में है, पता नहीं कब अपलोड होगी। एडिट करने में बहुत टाइम लगता है यार, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, प्लीज़ मुझे मेरा सपोर्ट कर लीजिए ना, और मुझे खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक करें सब्सक्राइब करें, है ना जी। ठीक है, वीडियो यहीं तक था, बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो अपना ख्याल रखिए, अपने हस्बैंड का ख्याल रखिए।